स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023 जो इसके बारे में, जिसमें दोगुना में शामिल हुए अभ्यर्थियों को लंबे समय से डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की प्रोसेस का इंतज़ार था। और इसी ओर कल की डेट में आप सभी के लिए अच्छी खबर थी। आप सभी ने उस खबर को देखा होगा कि आप सभी के लिए स्क्रूटनी फॉर्म कल से स्टार्ट होने वाले हैं। 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक आपके स्क्रूटनी फॉर्म भरे जाएंगे, जिसमें कि आपको बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन, यानी कि जो आपका SSO है उस पर जाकर ऑनलाइन आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। और इसके बाद आपका DTA जो डिपार्टमेंट है वो आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन सितंबर में करवाएगा। साथ ही यहाँ पर एक और उम्मीद ये भी है कि जल्द से जल्द आपकी प्रोसेस कंप्लीट होगी, क्योंकि पहले जहाँ पर लग रहा था कि 20 तारीख के बाद ही आपका स्क्रूटनी फॉर्म ओपन होंगे, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी जल्दी हुई है, तो इसको देखकर लगता है कि आगे की प्रोसेस भी आपकी जल्द से जल्द कंप्लीट करवाई जाएगी और जल्द से जल्द आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग देने की पूरी उम्मीद यहाँ पर दिखाई देती है। कि अगर यहाँ पर जो स्थानीय निकायों के जो चुनाव होने हैं उससे पहले ही अगर आपको यहाँ ज्वाइनिंग मिल जाए, क्योंकि आचार संहिता भी लगेगी और उससे पहले आपकी जो है ज्वाइनिंग अगर आ जाती है तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। जो भी अभ्यर्थियों का समय यहाँ पर जो वेस्ट हुआ है वो यहाँ पर एक तरीके से उसे जो है यहाँ पर बचाया जा सकता है, ताकि और अधिक समय यहाँ पर नहीं लगे। तो आज के वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए बहुत सारे अभ्यर्थियों की क्वेरी होती है और ज़्यादातर अभ्यर्थियों के कोई ना कोई दिक्कत यहाँ पर सामने आती है, तो उसके बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। एक नॉर्मल सी क्या क्या दिक्कत सामने आती है उसको लेकर हम बात करेंगे, साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं और किस प्रकार उन्हें अपलोड करना है इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ नॉर्मल बात जो कि अभ्यर्थियों की दिक्कत होती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि किसी भी सर्टिफिकेट में, मान लीजिए 10th की मार्कशीट है या 12th की है या ग्रेजुएशन की है या कोई सर्टिफिकेट है, अगर उसमें आपके नाम में, आपके पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में, या फिर डेट ऑफ बर्थ में, या फिर जैसे 10th की मार्कशीट की परसेंटेज हो गई या 12th की मार्कशीट की जो परसेंटेज है, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई है फॉर्म भरते समय, तो उसके लिए आपको सिर्फ एफिडेविट लगाना होगा। यानी कि फॉर्म भरते समय अगर आपसे कोई गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, गलती से कोई गलत डेटा आपने भर दिया है या फिर कुछ मिसमैच हो चुका है आपके डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए आपको सिर्फ एफिडेविट की ज़रूरत होगी और उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आने वाली है। इसके अलावा एक और दिक्कत जो अभ्यर्थियों को आ रही है कि यहाँ पर आवेदन के समय जो फ़ोटो लगाई गई थी वही फ़ोटो यहाँ पर मांगी गई है, तो कई अभ्यर्थी ऐसे जिनके पास वो फ़ोटो नहीं है, तो यहाँ पर फ़ोटो को लेकर ज़्यादा दिक्कत अभ्यर्थियों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि फ़ोटो सिर्फ एक फ़ोटो के कारण ही आपका सिलेक्शन यहाँ पर रुक जाए। आपके पास अगर फ़ोटो नहीं है, आप कोशिश करेंगे, हो सकता है आपको फ़ोटो मिल जाए, कहीं पर भी आपने ऑनलाइन अपलोड की हो, अगर वहाँ से मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भी आपके पास लेटेस्ट फ़ोटो होगा वो भी आप लगा सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं आने वाली है। इसके बाद यहाँ पे अगली जो प्रॉब्लम रहती है, हमने नॉर्मल बात की है, अगर आपके किसी भी चीज़ में कोई मिस्टेक है तो आप वहाँ पर एफिडेविट लगा सकते हैं। अब हम बारी बारी से बात कर लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट किस प्रकार अपलोड होंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि स्क्रूटनी फॉर्म के लिए जो 16 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं सिर्फ आपको वही अपलोड करने हैं। आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि यहाँ पर दहेज प्रमाण पत्र वाला भी अभी लगाना होगा, या फिर धूम्रपान वाला, या पुलिस जो वेरीफिकेशन होता है उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ वो जो कल स्क्रूटनी फॉर्म के लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं सिर्फ आपको वही अपलोड करने हैं। और यहाँ पर जो भी आपको शपथ पत्र बनाने हैं वो आप नोटरी वाले बनवाएं, यानी कि जो स्टाम्प पेपर आता है 50 रुपये वाला, उसी पर आपको जो है लिखवा कर नोटरी करवानी है, सबसे बेस्ट आपके लिए वही रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है अंक पत्र, यानी कि सेकेंडरी 10th की जो मार्कशीट है वो आपको लगानी है। तो 10th की मार्कशीट को आप स्कैन करेंगे और उसको वहाँ पर आपको अपलोड करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये रखनी है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर स्कैन कर रहे हैं वो प्रिंटर पर ही स्कैन करेंगे, मोबाइल से आप स्कैन नहीं करें, क्योंकि उसमें कई बार दिक्कत आती है। साथ ही स्कैन करने के बाद जो भी आप उसका नेम देते हैं वो क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आपने 10th की मार्कशीट की जगह 12th की मार्कशीट अपलोड कर दी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उसमें क्लियर लिखना है, आपको स्कैन करने के बाद उस पर 10th मार्कशीट ऐसे लिखना है ताकि जब भी आप उसे अपलोड करो तो आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं आए। तो सबसे पहले आपको 10th की जो मार्कशीट है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों को दिक्कत आती है कि उन्होंने डुप्लीकेट मंगवाई थी, मेरे साथ भी ऐसा ही है, 10th की मार्कशीट जो खो गई थी उसके बाद यहाँ पर डुप्लीकेट मंगवानी होती है। अगर आपने राजस्थान जो बोर्ड है वहाँ से मंगवाई है तो आपने जब भी मंगवाई होगी आपने देखा होगा कि जब भी आप उसकी साइट पर जाते हैं और वहाँ से आप डुप्लीकेट मंगवाते हैं तो वहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट, तो उस समय जो है वो दोनों ही अलग अलग आते हैं।
हैं, जब भी आपने, यानी कि अगर आप 2009 के बाद आपने टेंथ पास की है तो आपके पास सिर्फ एक ही पेज आता था जिसमें कि आपकी मार्कशीट होती थी और ऊपर लिखा होता था सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट, ठीक है। तो आपको वही अपलोड करना है, तो टेंथ की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, अगर आपके पास डुप्लीकेट है तो वो आपको अपलोड करनी है। प्रमाण पत्र यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है टेंथ का, उसमें भी वही पेज अपलोड होगा क्योंकि वही पेज जो है वो आपका सर्टिफिकेट भी है। अगर आपने डुप्लीकेट मंगवाया है तो आपके पास सर्टिफिकेट अलग से आएगा, तो सर्टिफिकेट आपको उसकी जगह अपलोड करना है। इसके बाद आपको ट्वेल्थ की मार्कशीट अपलोड करनी है, अगर डुप्लीकेट है तो वो अपलोड करनी है। सर्टिफिकेट भी आपका वही पेज अपलोड होगा जो कि आपका मार्कशीट में हुआ है, अगर आपके पास डुप्लीकेट है तो उसके लिए आपने अलग से मंगवाई होगी, वो आपको अपलोड करनी है, ठीक है। इसके बाद आती है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आपके पास जितनी भी मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। साथ ही इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जितनी भी आप मार्कशीट अपलोड कर रहे हो उसकी एक ही पीडीएफ आपको बनानी है, यानी कि आपकी एक ही पीडीएफ बनेगी। अगर आपने बीटेक किया है, आपके पास सेमेस्टर है, आठ सेमेस्टर की आठ मार्कशीट होगी, तो वो आठों आपको अपलोड करनी है। अगर आपके किसी में बेक हैं तो वो भी आपको अपलोड करनी है, और ये क्रम के अनुसार होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फिर थर्ड सेमेस्टर। अगर थर्ड सेमेस्टर में कोई बेक है तो उसके जो बेक वाली मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। अगर मान लीजिए फिफ्थ सेमेस्टर में भी आपका वो बेक नहीं निकली थी, सेवन्थ में निकली है, तो उसकी मार्कशीट भी फिर आगे अपलोड होगी, क्योंकि आप अगर थर्ड सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करते हैं तो उसमें फेल लिखा हुआ आता है, तो जब तक आप उसकी बेक वाली जिसमें आप पास हो चुके हैं वो भी आपको अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर अगर आपकी आठ सेमेस्टर की आठ मार्कशीट है तो आठों अपलोड करनी है। अगर आठ की जगह आपके पास मान लीजिए बारह हो गई है तो वो बारह की बारह आपको अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपकी जितनी भी मार्कशीट है ईयर की या सेमेस्टर की, वो क्रम वाइज आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है। इसके बाद आती है छठे नंबर पर प्रमाण पत्र या उपाधि, यानी कि जो भी आपकी डिग्री है वो यहाँ पर लगेगी। अगर डिग्री अभी तक नहीं आई है तो आपका जो प्रोविजनल है वो यहाँ पर लगने वाली है। तो छठे नंबर पे आपको प्रोविजनल या आपकी डिग्री जो भी है उसको अपलोड करके लगाना है। जहाँ जो मांगा गया है आपको वही पेज स्कैन करना है और वही अपलोड करना है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर अधिस्नातक यानी कि जो ये पीजी वाले हैं उनके लिए हो जाती है। अगर आपके पास उसका रिज़ल्ट आ चुका है तो आपको वो अपलोड करना है। उसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया है, उसे लगाऊं या नहीं लगाऊं। अगर रिज़ल्ट नहीं आया है तो आप उसको शो मत करना। अगर आपके पास वो कम्प्लीट हो चुका है तो आप यहाँ पर उसे लगा सकते हो। इसके बाद आता है यहाँ पर अगर हम चले नवे नंबर पर कंप्यूटर योग्यता, यानी कि इसमें जो आपकी RSCIT होने वाली है या जो भी आपने यहाँ पर कोर्स किया है उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना है। RSCIT में कई अभ्यर्थियों को दिक्कत है कि हमने एडमिट कार्ड से जो रोल नंबर होते हैं वो लगा दिए थे, अभी यहाँ पर स्कॉलर जो नंबर है वो लगा दिए थे। तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी एक साइज़ होती है जिसमें कि आप अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एडमिट कार्ड है और अब जो है आपका यहाँ पे मार्कशीट आ चुकी है तो आपको दोनों ही एक साथ अपलोड कर देने हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न आगे जाकर नहीं हो। वहाँ से आपके एडमिट कार्ड भी हो जाएंगे और साथ ही आपकी मार्कशीट भी हो जाएगी। तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर आपने स्कॉलर नंबर की जगह रोल नंबर भरे थे तो मार्कशीट के साथ आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो साथ में ही अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट होता है वही आपकी मार्कशीट है। RSCIT की जो आपके पास मार्कशीट आई है वही आपका सर्टिफिकेट भी है, तो दोनों में ही आपका वही अपलोड हो जाएगा। तो 9 और 10 नंबर पॉइंट यहाँ पर हो गए हैं। 11 नंबर पॉइंट है मूल निवास। मूल निवास में कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, आपके पास कितना भी पुराना हो मूल निवास आप उसको लगा सकते हैं। मेरे पास जो मूल निवास है वो 2016 का है तो वो मैं लगाने वाला हूँ, और यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, आप कोई सा भी यहाँ पर मूल निवास लगा सकते हैं। आपके पास नया है तो आप नया लगा सकते हैं, चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो आप उसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और मूल निवास में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। कई अभ्यर्थी कहते हैं कि उनका एड्रेस यहाँ पर चेंज हुआ है, तो जो भी आपके पास लेटेस्ट हो वो लगा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। अगला आता है जाति प्रमाण पत्र, जिसमें कि SC ST OBC EWS वगैरह ये सब आते हैं, तो उन्हें अपना यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अगर यहाँ पर एक 14 नंबर पॉइंट भी है जिसमें शपथ पत्र है जो कि OBC और EWS कैंडिडेट के लिए ही है, तो जो भी OBC और EWS कैंडिडेट हैं उनके पास कभी का भी अगर मतलब किसी भी वर्ष का अगर यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, तो भी उन्हें वहाँ पर वो शपथ पत्र भरना है, क्योंकि उसमें अलग से नहीं लिखा है कि जिनके पास एक साल से पुराना है तो उन्हें भरना है, वो सभी को भर के लेके जाना है। तो स्टाम्प पेपर पर जो ये 14 नंबर पॉइंट है, ये स्टाम्प पेपर पर आप इसको लेकर और नोटरी करवा कर ले जा सकते हैं। आपका चाहे एक साल के अंदर का हो या एक साल के बाद का हो, कभी का हो, आपको वो यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। तो 13 नंबर पॉइंट यहाँ पर आता है अन्य प्रमाण पत्र। ये उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ अलग से सर्टिफिकेट है, जैसे कि PH कैटेगरी वाले हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्स वाले हैं, और अगर हम बात करें एक सर्विस मैन है या जो ME वाले हैं, उन्हें यहाँ पर अपलोड करना है। साथ ही 13 नंबर में
जो दो गजेटेड ऑफिसर के जो साइन होते हैं वो वाला यहाँ पर भी अपलोड होगा। और यहाँ पर जहाँ तक उम्मीद है दोनों के लिए अलग आएगा, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट 1 और कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2, तो दोनों जो गजेटेड वाले हैं उनके लिए अलग अलग आएगा, तो वहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। अगर एक ही आता है तो दोनों की आप एक ही PDF बनाकर अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर बात आती है कि फ़ोटो वाला CC चाहिए या बिना फ़ोटो का, तो फ़ोटो वाला होगा तो अच्छी बात है, बिना फ़ोटो वाला भी चल जाएगा। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको दो फ़ोटो ही लगाने हैं, आपके पास फ़ोटो होंगे तो दोनों फ़ोटो आप एक एक पे चिपका कर उस पर जो है आप गजेटेड ऑफिसर जो भी होंगे आपके आसपास के उनसे आप साइन करा दीजिएगा। आप स्कूल में जाएंगे वहाँ आपको मिल जाएंगे, नहीं तो आपके जो भी गाँव हैं जो भी है वहाँ पर कोई ना कोई छोटा मोटा जो CHC होती है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पर भी आपको गजेटेड मिल जाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी यहाँ पे इंपॉर्टेंट। जो 14 नंबर पॉइंट है ये OBC और EWS के लिए है, तो ये सभी अभ्यर्थियों को बनाना है। अगर आपका सर्टिफिकेट एक साल के अंदर का है या एक साल के पीछे का है तो भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, फिर आता है 15 नंबर पर, ये हस्तलिपि है, ये सेल्फ अटेस्टेड है, यानी कि इसमें आपको लिखना है और नीचे आपके साइन कर देने हैं, इसमें आपको स्टाम्प पेपर पर करवाने की ज़रूरत नहीं है। 16 नंबर पर है शपथ पत्र, यानी कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो यहाँ पर आपको बिल्कुल सही किए हैं, उसके लिए एक शपथ पत्र है जो कि आपको स्टाम्प पेपर पर बनाना है। 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको वो अपलोड करना है। इसका जो फॉर्मेट है वो आपको बोर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपको RSMSS भी टाइप करना है, उसमें जाना है, साइड में आपको कैंडिडेट कॉर्नर मिलेगा, उसमें जाएंगे तो आपको सिर्फ 3 ही वहाँ पर सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं, जिसमें कि आपका एक तो हैंड रिटन है, इसके अलावा जो जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके लिए है, और ये जो 16 नंबर शपथ पत्र है ये है, तो वो तीनों ही आपको वहाँ से डाउनलोड करने हैं और तीनों को करना है। उन तीनों में से जो 2 हैं वो यहाँ पर आपके होने वाले हैं स्टाम्प पर, और जो हस्तलिखित है वो आपका सेल्फ अटेस्टेड होने वाला है। तो इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। अगर हम बात करें NOC की, तो अगर आपके पास NOC आ चुकी है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास NOC नहीं आई है तो आपको एफिडेविट लगेगा, और इसके लिए आप किसी वकील से संपर्क करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आगे जाकर कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अगर NOC नहीं मिलती है तो उसके लिए आपने जो अप्लाई किया है या फिर जो आपको अनुमति मिली थी एग्ज़ाम में बैठने की, तो वो भी आप यहाँ पर उसको लगा सकते हैं कि अनुमति मांगी गई थी लेकिन अभी तक NOC नहीं मिल पाई है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको करना होगा, जिनके भी NOC वाली दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़, तो उन्हें यहाँ पर ज़रूर इस बात पे ध्यान देना होगा, और वो अगर किसी वकील से या किसी संपर्क करेंगे तो और बेहतर यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और इसको भरने में अभ्यर्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मेरे द्वारा, या फिर किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा जिसे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी वो आपको वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर कर देगा। तो यह था हमारा वीडियो जो कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर होने वाला है। स्क्रूटनी फॉर्म में काफ़ी अभ्यर्थियों को दिक्कत आने वाली है, लेकिन उन्हें डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करने हैं, और कोई भी अगर दिक्कत होगी तो जब भी वो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें वो उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो, इसमें जो भी बताएंगे उस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।